हेलो दोस्तों, आज की जो टेक न्यूज़ निकल के आ रही है वो है नोकिया 7 प्लस एंड्रॉयड डिवाइस के लिए। आप सभी जानते हो नोकिया 7 प्लस एक एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम का डिवाइस है और इस डिवाइस में अब एंड्रॉयड 9 पाई का जो अपडेट है वो मिलना शुरू हो चुका है। कल से ये अपडेट रिलीज़ कर दिया गया है और इस बात का जो है कन्फर्मेशन नोकिया ने दे दिया है। नोकिया का ये जो हैंडसेट है, इसके पहले कंपनी ने कहा था कि इसमें जो एंड्रॉयड 9 पाई का सॉफ्टवेयर है उसे मिलने के लिए काफ़ी देर लग सकती है, लेकिन नोकिया के इस मिड रेंजर हैंडसेट में एंड्रॉयड 9 पाई का वर्जन काफ़ी जल्दी रोल आउट कर दिया गया है नोकिया की तरफ से और इसमें आपको कुछ नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो जो कि है, पहला फीचर आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एडेप्टिव बैटरी फीचर भी मिल जाएगा, एडेप्टिव ब्राइटनेस का फीचर भी मिल जाता है और इसमें जेस्चर सपोर्टेड नेविगेशन भी मिल जाएगा, नया डैशबोर्ड मिल जाएगा, काफ़ी सारे आपको फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। इस सॉफ्टवेयर का जो साइज़ है वो है लगभग 1.47 GB यानी 1.5 GB का। ये जो है ये मेजर अपडेट नोकिया की तरफ से दे दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये अपडेट अभी नहीं मिला है तो आप अपने सेटिंग्स में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट में इसे चेक कर सकते हो और आपको ये अपडेट जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस टेक न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।